जय हिंद दोस्तों। बिहार होमगार्ड भर्ती 2011 किशनगंज जिले के प्रखंड वाइज आपको सीट कैटेगरी वाइज और प्रखंड वाइज जारी कर दिया गया है। साथ में दोस्तों आपका फिजिकल का मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों लगभग जो किशनगंज में फिजिकल निकाले हैं सभी अभ्यर्थियों को फाइनली ज्वाइनिंग मिलने वाला है, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं और बहुत सा कम कैंडिडेट का यहाँ पर जो फिजिकल का मेरिट लिस्ट है जारी हुआ है। तो कैसे आपको चेक करना है, घर बैठे अपने मोबाइल से बिल्कुल आसान तरीके से बिना साइबर कैफे गए हुए सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप मेरे वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। दोस्तों चलिए बिना देर किए और वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे आपको चेक करना है। दोस्तों चेक करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको किशनगंज का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहां पर देख सकते हैं आपको होमगार्ड मेरिट लिस्ट एंड अदर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक और पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको होमगार्ड मेरिट लिस्ट ऑर्डर दिया गया है और आपको यहाँ पर किशनगंज शहरी के कैटेगरी वाइज आपको सीट दिया गया है और किशनगंज शहरी का आपका मेरिट यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार से किशनगंज ऑल ब्लॉक के ग्रामीण के यहाँ पर दिया गया है आपका मेरिट है यह, और नीचे ऑल ब्लॉक का यहाँ पर ग्रामीण का कैटेगरी वाइज सीट भी दिया गया है, और जो असफल हुए हैं यहाँ पर भी दिया गया है। रनिंग के बाद जो हाइट में रनिंग हाइट बार में अनफिट हुए हैं उनका भी दिया गया है। तो चलिए सब कुछ हम डाउनलोड करके देखते हैं। पहले आपको शहरी के मैं दिखाना चाहता हूँ सीट कितना है शहरी में और कौन सा कैटेगरी में कितना सीट है। दोस्तों देखिए यह डाउनलोड होकर आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि दिया गया है शहरी में 30 सीट है, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं जनरल के लिए यानी अनारक्षित के लिए पुरुष के लिए 20 है और महिला के लिए 3 रखा गया है। पिछड़ा वर्ग में आपको पुरुष के लिए सीट नहीं है, महिला के लिए 1 है, यहां पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से सब चीज़ दिया गया है। अति पिछड़े वर्ग के लिए पुरुष के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, पुरुष के लिए महिला के लिए नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, यानी टोटल 30 पोस्ट रखा गया है आपको शहरी के लिए यहाँ पर देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको शहरी का यह सीट प्रखंड वाइज मालूम हो गया, लेकिन कितना शहरी में फिट है चलिए दिखाते हैं कैंडिडेट कितना सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर देखिए इसे डाउनलोड करके तो देखिए यहाँ पर आ गया जो शारीरिक जांच में सफल पाए गए थे उनका लिस्ट आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल 18 कैंडिडेट फिट हैं और शहरी में आपको 30 सीट रखा गया है और 30 यहाँ पर 18 केवल कैंडिडेट फिट है, तो सभी कैंडिडेट का फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। जो कि इसमें महिला की संख्या 1, 2, 3, 4 महिला इसमें सिलेक्ट हैं और आपके उसके बाद 14 पुरुष सिलेक्ट हैं शहरी में। तो इस प्रकार से सभी इसी प्रकार से आपको मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पर ग्रामीण का भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ, आप लोग सिर्फ वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण के आ गया, जो कि यहाँ पर एक प्रखंड है किशनगंज ग्रामीण प्रखंड में आपको टोटल अभ्यर्थी 14 फीट है। उसके बाद यहाँ पर कोचा धामन यहाँ पर एक प्रखंड है, देख लीजिए ये भी ग्रामीण से आता है, इसमें भी 5 कैंडिडेट केवल फिट है। उसके बाद ठाकुरगंज में आपको लगभग यहाँ पर देख लीजिए 18 कैंडिडेट या 19 कैंडिडेट आपको ठाकुरगंज में है, तो यहाँ पर बहुत कैंडिडेट कम फिट है। उसके बाद यहाँ पर दिघला बैंक की कौन एक प्रखंड है यहाँ पर देख सकते हैं वह है। उसके बाद यहाँ पर टेगा गच्छा एक प्रखंड है, उसमें भी आपको लगभग 3 कैंडिडेट हैं। इसी प्रकार से पोठिया एक प्रखंड है, इसमें भी आपको लगभग 9 कैंडिडेट या 9 कैंडिडेट नहीं यहाँ पर 5 कैंडिडेट फिट है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बहादुरगंज का है ग्रामीण में, जो कि यहाँ पर 11 कैंडिडेट टोटल फिट हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्रामीण जो इलाका से अभ्यर्थी आते हैं उनका
फीट का यह है, कितना नंबर लाए हैं उसमें सब कुछ दिया गया है, और यहाँ पर ब्लॉक वाइज प्रखंड वाइज सीट भी दिया गया है। तो इसे भी हम डाउनलोड करके चेक करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए किशनगंज जो ग्रामीण है उसमें 22 सीट है और आपको कम ही कैंडिडेट वहाँ पर फिट है। यहाँ पर देख लीजिए कोचा दामन में आपको 49 सीट है और यहाँ पर कैंडिडेट बहुत कम फिट है, तो आपको सबका हो जाएगा। इस प्रकार से सभी है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर नहीं आपको कुछ बुझा रहा है तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली जो फिजिकल निकाल दिए हैं, पास सिर्फ कर दिए हैं, उनका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको जो असफल है इनका भी सूची मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जो असफल है दिया गया है, जो अभ्यर्थी असफल, यहाँ पर देख लीजिए सबका नाम दिया गया है। नवीन कुमार पासवान यह असफल हैं, खुशबू कुमारी, बसंती कुमारी, यह सब असफल हैं, जो कि 28 अभ्यर्थी असफल थे। दौड़ के बाद इन लोग के हाइट जब नापा गया तो कम था। तो दोस्तों आप यह सब कुछ जान लिए, यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पर दिया गया है, वैसे अभ्यर्थी जो शारीरिक क्षमता जांच से निर्धारित मापदंड के अनुसार ऊंचाई सीना माप में असफल घोषित किए गए हैं, अगर इस परिणाम से यानी संतुष्ट नहीं है तो वह 20 जून को 5 बजे आप बिहार गृह रक्षक वाहिनी किशनगंज कार्यालय में हाथों हाथ निबंधित डाक के से अपना आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें। यानी अगर आपको आपत्ति है तो दर्ज कर सकते हैं, जो कि 20 जून तक आपको समय दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, उसके बाद अगर प्राप्त होता है तो विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित सभी आवेदन को पश्चात मेडिकल बोर्ड गठित कर उनमें दावा के अनुसार पुनः मापी कराई जाएगी तथा गठित मेडिकल बोर्ड के अनुशंसा के आधार पर सफल असफल घोषित किए गए यह निरीक्षक अंतिम रूप से मान्य होगा। मेडिकल की बैठक दिनांक 22/6/2011 को 11 बजे सदर अस्पताल किशनगंज में निर्धारित किया गया है। दोस्तों जो सफल हैं और असफल हैं उनका भी मेडिकल आपको 22 को होने वाली है, तो आप लोग यह सब कुछ देख लीजिएगा। अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।